गोलकुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर हज़ारों मरीज़ रोज़ इलाज करने आते हैं, क्योंकि आजकल वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास करके इसका असर बच्चों पे ज़्यादा हो रहा है। तो उसी दौरान गोलकुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मज़हरुद्दीन साहब ने ये कहा कि इस वायरल फीवर के सारे इलाज और सारे मिशनरीज गोलकुंडा हॉस्पिटल में मौजूद है। गोलकुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटे इलाज के अलावा बड़े सर्जरीज वगैरह भी अब किए जा रहे हैं, उसमें सारे मिशनरीज अवेलेबल है, पहले से इसमें मौजूद थे, अब ख़ास करके कुछ कीमती और बड़े मिशनरीज भी ला लिए गए हैं, जो बड़े ऑपरेशंस भी अब किए जा रहे हैं। साथ ही में द ब्लू स्काई फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और हैदराबाद के फेमस सोशल वर्कर जीनत खान मैडम ने भी वहां पर विज़िट किया और साथ ही में उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर यहां पर विज़िट कर रही हूं, हॉस्पिटल की सर्विस बहुत ही बेहतरीन है और नीटनेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से रखा जा रहा है, हर यूनिट हॉस्पिटल की अपनी अपनी जगह बेहतरीन काम कर रही है। जीनत खान ने कहा हॉस्पिटल में काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है। सुपरिटेंडेंट मज़हरुद्दीन साहब को इसकी मुबारकबादी भी दी और उन्होंने चिल्ड्रंस वार्ड में जाकर बच्चों में खिलौने भी डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ ही में उन्होंने ये मैसेज दिया कि पेशेंट्स के साथ आने वाले रिश्तेदार और पेशेंट्स को भी साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जो यूनिट है वो तो अपना अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि ये हॉस्पिटल अपना है इसीलिए हमें भी इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये कहते हुए हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मज़हरुद्दीन साहब को बेहतरीन काम की मुबारकबादी भी दी। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। डॉक्टर मोहम्मद मज़हरुल्लाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल। रिसेंटली जो है अभी वायरल फीवर्स हैदराबाद के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर आना, थायराइड फीवर, कोल्ड, कफ, ऐसे पेशेंट्स जो है वायरल फीवर ज़्यादा आ रहे पेशेंट्स हमारे पास, और वी आर हैविंग ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर्स। हर मेल हो भी, फीमेल हो भी, पीडियाट्रिक हो भी, ज़्यादा हो रहा है आजकल में वायरल फीवर की वजह से, और वायरल फीवर के लिए फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए हमारे पास मेडिकल दो फिजिशियंस है और पीडियाट्रिक में तीन पीडियाट्रिशियंस है, और ये लोग सब जो है वायरल फीवर को अटेंड कर रहे हैं, और जो भी पेशेंट्स को नीडेड है ब्लड पिक्चर्स वगैरह, CBP कंप्लीट ब्लड पिक्चर, अदर टेस्ट जो भी हमारे पास कंप्लीट टेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अल्लाह का शुक्र है, वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज हियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर फ्रॉम जीडियाट्रिक टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स। रीसेंट डेज देर आर लॉट ऑफ वायरल फीवर्स कंप्लेनिंग, सो फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक हाई ग्रेड फीवर, कोल्ड एंड कॉफ, वी आर हैविंग सफिशियंट मेडिसन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर्स, एंड वी आर हैविंग टू फिजिशियंस एंड थ्री पीडियाट्रिशियंस एंड माइसेल्फ ऑल्सो फिजिशियन, वी आर गिविंग free of cost medicines those patients who needed investigations, we are doing all the investigations regarding viral fevers and all other fevers. ये सर आपका जो हाल है, आपका दौर है, जो महंगाई का दौर है, वो हिसाब से तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना कोई सजा या कोई जुर्माने से कम नहीं, तो मिडिल क्लास और गरीब के लिए सबसे बड़ा सहारा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन हमारा माइंड बन के है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ नहीं रहता या इलाज सही नहीं करता, इसके बारे में आप क्या मिशनरीज वो अवेलेबल नहीं रहते ये चीज़? विद द हेल्प ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट और रेस्पेक्टेड CM केजीआर साहब एंड आवर हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब और हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी सर एंड आवर कमिश्नर ऑफ तेलंगाना वैद्य विधान परिषद डॉक्टर अजय कुमार सर, विद ऑल देयर सपोर्ट आज हमारे पास सैनिटरी वर्क स्ट्रेंथ बढ़ गया है और हॉस्पिटल मेंटेनेंस ऑल्सो वेरी गुड, सैनिटेशन इज वेरी क्लियर है और कोई इश्यू नहीं है, ऑलमोस्ट वी आर मेंटेनिंग द हॉस्पिटल प्रॉपरली कंपेरेटिवली प्रीवियस। And the other aspects, hospital facilities, we are having ICU of 10 bedded, those patients who are with lower respiratory tract infections, other serious illnesses, we are admitting in the ICU, we are treating with the with proper management and protocol, and all the patients here, they are very satisfied with the ICU management. And coming to pediatric also, we are having all drugs, pediatric drugs, if you want to admit in the ICU, they pediatric patients also we are admitting in the ICU. बहुत अच्छा है अभी, अभी जो है सैनिटेशन मेंटेन हो रहा, हॉस्पिटल में ड्रग सफिशिएंट है और बेड सफिशिएंट है, ICU मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स भी माशाल्लाह सब जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स को सेटिस्फाई करके डिस्चार्ज कर रहे हैं।
मतलब जो अब हालात चल रहे हैं जो वो है उसके बारे में कंप्लीटली सर्विस पूरा प्रोवाइड है अपने पास, कोई भी वी आर हैविंग ऑल द सर्विसेज पूरे फ्रॉम स्टार्टिंग लैब इन्वेस्टिगेशंस टू द ट्रीटमेंट, वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, हर चीज से लैब टेस्ट करना है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना है, अगर पेशेंट की हालत खराब है तो उसको आईवी फ्लूइड्स एडमिशन करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अगर हालत सीरियस है कोई पेशेंट तो उसको आईसीयू में रखकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब चार भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऑपरेशन वगैरह भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है, और फार्मेसी ये चार भी फ्री है पूरे। चार भी फ्री आपका। इन एडिशन टू दैट हमारे पास अभी लैब तेलंगाना मिनी हब करके गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तेलंगाना मिनी हब डायग्नोस्टिक हब, जिसमें जो है आपको पहले बहुत कम टेस्ट होते थे हमारे पास, आज जो है हर टेस्ट कर रहे हैं, हर ब्लड थायराइड से लेती है आपको, ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम यूरिक एसिड है, थायराइड जो आजकल कॉमन है ज़्यादातर थायराइड होता है, अब उन लोगों को जो है थायराइड टेस्ट करना, ये सब जो है ब्लड सैंपल कलेक्शन करके हमारे तरफ से मेन तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके नेक्स्ट डे हम रिपोर्ट को दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी सहूलत है, पहले इतने लैब टेस्ट नहीं होते थे, आज गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम जो है बहुत से हर लैब जो है विदाउट फ्री ऑफ कास्ट पूरे कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड तो माशाल्लाह है, अभी रिसेंटली हमारे गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल को टिफा स्कैन बोल के दिए, ये टिफा स्कैन का मेन मकसद ये है, ये प्रेग्नेंट लेडीज जो रहते हैं थर्ड मंथ फोर मंथ्स जो भी एंटीनेटल चेकअप रहते हैं, अगर उनको जो है प्रेग्नेंसी में अगर फोर्थ मंथ में नरिया है या थर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज या कुछ है कार्डियक एनोमलीज है या दूसरे इश्यूज है तो ये टीपीआर स्कैन के जरिए हमारे को क्लियर कट मालूम हो जाता है, तो जो है उसके लिए अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट से माशाल्लाह इट्स कास्ट अबाउट ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीज हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हरीशो साहब हमारे गोलकंडा एरिया हॉस्पिटल को टीपीआर स्कैन की सप्लाई, और हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट भी है, ऑल वार्ड्स और सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, हर पेशेंट को हम जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, 100 पेशेंट को भी अगर चाहे तो ऑक्सीजन जो है सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, ये भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे MLA साहब कौशल मुद्दीन साहब का, हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन है साहब और MP साहब का, और हमारे सीएमओ साहब का, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीशो सर का, और हमारे सेक्रेटरी रिजवी सर का, और हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर अजय कुमार साहब का, सब शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, वी आर हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, नाउ वी आर डूइंग मेजर सर्जरीज लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ऑलरेडी वी आर हैविंग अ पेशेंट इन ICU विद दैट पेशेंट केम फ्रॉम सम एरिया Nellore district, he is residing at Hyderabad, he is suffering from infected implant and we have done surgery, now he is very comfortable, we are doing all major surgeries, orthopedic surgery we are starting, we are doing major surgeries, eye surgeries we are also, since last 10 years we are doing, actually since 6 months we are doing eye surgeries also, IOL surgeries, and we are having ENT surgery specialties, and all other practices we are doing, especially our gynec department also, we are totally maintaining, we are giving antenatal services, and after that we are almost in our hospital. Hospital, we are gradually increasing the hospital deliveries also. Those patients who require sections lower LSCS, we are also LSCS giving here. We are doing good antenatal services and almost all we are improving the hospital deliveries also. Thank you. Thank you, sir. And Dr. Srinivas Rao, pediatric civil surgeon at Area Hospital Golconda. अभी एक दो हफ्ते से इधर बहुत वायरल फीवर आ रहा, बहुत बच्चों को बुखार सर्दी खांसी आ रहा, अपने के पास पूरा इलाज हो रहा, निमोनिया केसेस भी आ रहा, ये विंटर सीजन में समर चेंज हो रहा और इससे वायरल फीवर सभी ज़्यादा आ रहा, हमके पास सब टेस्ट है, एक्सरे ब्लड टेस्ट सब स्पेशल टेस्ट कोविड टेस्ट सब है अपन के पास, जो भी स्पेशल टेस्ट करके और जो बच्चे को एडमिशन जरूरत है उसको एडमिट करके अच्छा इलाज करते इधर और इम्प्रूव होने के बाद डिस्चार्ज करते और उसको मेडिसिन भी सब मिल रहा है इधर, डाइट भी दे रहे हॉस्पिटल में, फ्री डाइट दे रहे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपना MP मिनिस्टर साहब और अपना चेयरमैन साहब कौशल मोहिद्दीन साहब एंड ऑल्सो अवर CM एंड अवर सुप्रिंटेंडेंट मसल्ला सर फॉर कॉपरेटिंग एंड ऑल द ड्रग्स ऑल्सो अवेलेबल, ऑल द मेडिसिन आर फ्री में दे रही है हॉस्पिटल में सब बच्चों को अच्छा इलाज हो रहा है। आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग अस एंड डूइंग द नीडफुल। थैंक यू। और स्टाफ नर्सेस आर वेरी गुड, स्टाफ नर्सेस हाईएस्ट चैंपियन है, एवरीथिंग इज द बेस्ट वेटनरी ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज द बेस्ट, वी कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच ऑफ द ट्रीटमेंट इन प्राइवेट ऑल्सो, आफ्टर 13 lakhs ऑफ रुपीस ऑल्सो वी कॉन्ट्रेट सो मच ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट विच आर प्रोवाइडेड हियर, बट वन थिंग इज मैं एक चीज बोलूँगी यहाँ पे दूसरे भी आने वाले पेशेंट भी आओगे हॉस्पिटल की तरफ से नीट टेस्ट नहीं है, पेशेंट्स की तरफ से हॉस्पिटल को मीट करने के बाद ही प्राइवेट में आपको तो आने भी नहीं देते हैं, अंदर आने दे रहे तो आप पूरे फैमिली के साथ आ रहे, गंदगी ला रहे,
गंदगी को रोक दिया आप लोगों ने, और हमेशा हर हम और सुपरिटेंडेंट सर हमेशा कोई पेशेंट के लिए अवेलेबल है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। आपके भी पेशेंट ही? हाँ, मैं सभी मतलब पेशेंट की माँ है। ये बच्चा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। हाँ। और बहुत अच्छा ट्रीट करे डॉक्टर का, नर्सेस का, बिल्कुल अभी बाहर से कुछ चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, हर चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल थी और बहुत अच्छा ट्रीट करे। आपको इंजेक्शन आ दिए? हाँ, इलाज हुआ आपका? हाँ, इंजेक्शन आ दिए क्या आपको? इंजेक्शन आ दिए, अच्छा ट्रीटमेंट करे। मोबाइल के गेम खेलते क्या आप? मोबाइल के गेम खेलने से बीमार हुए जैसा है।